देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ। ये पूरी घटना थाना असमोली इलाके के गांव हसनगढ़ की है, जहां जिला अमरोहा ग्राम हरियाणा निवासी इकरार और सद्दाम पिता पुत्र अपने पशुओं को संभल थाना असमोली के गांव मानोटा से बेचकर वापस अमरोहा जा रहे थे। तभी हसनगढ़ के सुनसान इलाके में पीछे से 3 बाइक सवार बदमाश आए और जुगाड़ू सवार पिता पुत्र को रोक लिया और बदमाशों ने जुगाड़ के आगे अपनी मोटरसाइकिल लगा दी और जुगाड़ में बैठे सभी लोगों की तलाशी लेने लगे। इसी दौरान इकरार ने उसका विरोध किया तो बदमाशों ने सभी की पिटाई कर दी और वहीं पास में पड़े एक डंडे से मारना शुरू कर दिया। बाद में पिता पुत्र को गोली भी मार दी, जिसके बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। गोली लगने के बाद इकरार की मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ इन्होंने जुगाड़ू को हाथ दिया, मैंने जुगाड़ू रोका, हल्का सा रोका नहीं पूरा, इतने जुगाड़ू आ गए, मोटरसाइकिल लगा दी दोनों ने। कितने लोग थे? वो 3 थे। फिर क्या हुआ? फिर एक ने मेरा झाड़ लिया, वो मैंने मोबाइल दिखा, मोबाइल मुझ पर, दूसरा ढक्के वाले के सीने पर तमंचा लगा दिया, उनने मोबाइल दिखा दिया, तीसरे ने इनका पैसों का थैला ले लिया जिसमें 52,000 रुपये थे। फिर इनके लड़के ने वो थैला छीनना चाहा तो उसके एक ने गोली मार दी, 315 इकट्ठा था। जबकि इकरार के बेटे सद्दाम को मौके पर पहुंचे परिजन और राहगीरों की मदद से गंभीर हालत में मेरठ भेजा गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो कई घंटों बाद एएसपी संभल, सीओ और अमरोहा थाना सैद नगली समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद जाम लग गया। लोगों की पुलिस से नोकझोंक तक हो गई। काफी देर बाद पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया और हालात पर काबू पाया। पुलिस ने निजी वाहन से शव को अस्पताल भेजा और दिन दहाड़े हुई लूट हत्या को गंभीरता से लेते हुए आसपास के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया। ये देखिए, ये इकरार और सद्दाम, ये दोनों लोग जो हरियाणा के रहने वाले हैं, ये मथना पेड़ में वो मनोटा पुल पे जो पेड़ लगती है उस पर अपनी भैंस बेच के 52,000 रुपये लेके आ रहे थे। इनके साथ जुगाड़ में और भी लोग बैठे हुए थे। यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार 3 लोग आए जिनके उस पर ढड़ा बंधा हुआ था और उन्होंने 52,000 रुपये जो थैला था उसको छीना। इसका प्रयास में जब विरोध किया गया तो उनके द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें इकरार की मौके पर ही मृत्यु हो गई है और सद्दाम की गोली लगी है, जिनको मेरठ के लिए रेफर किया गया है। ये गंभीर घटना है जिसके लिए हम लोगों ने अभी से टीम लगा के इसको वर्कआउट करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने आसपास के कई मार्गों पर कॉम्बिंग और बदमाशों की तलाश शुरू की, लेकिन पुलिस को कई घंटों बाद भी सफलता नहीं मिल पाई। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं आपको बता दें कि घटना स्थल से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर ही जिला अमरोहा लग जाता है। ग्रामीणों के मुताबिक उसी मार्ग पर एक पुलिया है, जहाँ आए दिन लूट जैसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन पुलिस ने इस मामले को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। यही कारण है कि बदमाश बड़ी ही आसानी से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज़, अपराध के खिलाफ जंग।